Hello everyone, welcome to Being a Best Teacher YouTube channel. In this lecture, we are going to study about the topic Objectives of Environment Education, right? So let's begin with today's lecture. सबसे पहले टू डेवलप द सेंस ऑफ अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स अबाउट एनवायरमेंट एंड इट्स वेरियस प्रॉब्लम्स. देखिए, एनवायरमेंट को हम एजुकेशन के थ्रू बच्चों को पढ़ाते हैं, वही है एनवायरमेंट एजुकेशन. ऑलरेडी हमने इसका मीनिंग किया हुआ है प्रीवियस क्लास में, वो लेक्चर्स देखिएगा जरूर. देखिए, जब हम बच्चों में क्या करना चाहते हैं, एनवायरमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है ये पढ़ाने का, कि भाई बच्चे अवेयर हों कि उनकी एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उसके प्रति, राइट? ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहा. सेकेंड इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन रियलाइजिंग द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड एनवायरमेंट, कि दोनों आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है. मैन से हमारे यहाँ पे मतलब है ह्यूमन बीइंग्स, राइट? ह्यूमंस और एनवायरमेंट कैसे कोरिलेटेड है. देखिए, एनवायरमेंट के बिना हम है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है इंसान का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उन्हीं का इंटर रिलेशनशिप जो है इस सब्जेक्ट से हम बच्चों को, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को बताना. थर्ड इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स अबाउट द सोशल नॉर्म्स दैट प्रोवाइड्स यूनिटी विद एनवायरमेंटल करेक्टरिस्टिक्स. हम बच्चों को सोशल नॉर्म्स बताना चाहते हैं, वो डूज एंड डोंट्स बताना चाहते हैं कि भाई एकत्रित होकर जो है एनवायरमेंट में क्या क्या चेंजेस लाए जा सकते हैं, क्या चीजों की जरूरत है, उनकी इन्फॉर्म करना बच्चों को, राइट? जैसे कि एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं इसका. हम बच्चों को बोलते हैं से नो टू पॉली बैग्स, ठीक है, से नो टू प्लास्टिक बैग्स, राइट? ये इसका एग्जाम्पल हो गया. हम इन्फॉर्म करते हैं बच्चों को, ठीक है, ऐसा नहीं है कि बच्चों के पीछे पीछे जाकर ही हम देख रहे हैं, बट यहाँ पे बच्चों को इन्फॉर्म करना टीचर्स की जिम्मेदारी है, ठीक है, ये बैग्स हो गया. नेक्स्ट इज टू क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड अमंग एनवायरमेंट अमंग द स्टूडेंट्स, कि बच्चों का एक सकारात्मक दृष्टिकोण रहे, एक पॉजिटिव आउटलुक रहे, एटीट्यूड रहे एनवायरमेंट के प्रति, राइट? नेक्स्ट इज टू डेवलप प्रॉपर स्किल रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ द एम्स ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल इवैल्यूएशन. हम बच्चों के अंदर यहाँ वो जरूरी स्किल्स डालना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, जो हमारे एम्स हैं एनवायरमेंट के अंदर कि भाई हमें ये चीजें करनी है, जो एजुकेशनल इवैल्यूएशन के थ्रू हम बच्चों में डालना चाहते हैं, राइट? सो दैट स्टूडेंट्स आर गोइंग टू बी ऑटोमेटिकली इस पॉइंट के लिए टू मेक देम अवेयर, राइट? आगे बढ़ेंगे. सिक्स्थ इज टू हेल्प. देखिए, हम यहाँ पे टोटल 10 करेंगे, दिखाऊंगी मैं आपको और भी, जो आपको ईजी लगे आप वो पिक कर सकते हैं, राइट? बहुत सारे एम्स है, अनलिमिटेड है ऐसे तो. नेक्स्ट इज टू हेल्प द स्टूडेंट्स इन रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स टू सॉल्व द एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, कि जितनी भी एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए जो प्रॉपर स्टेप्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, वो स्टूडेंट्स ले, ठीक है. नेक्स्ट इज टू डेवलप रिक्वायर्ड क्यूरियोसिटी अमंग द स्टूडेंट्स फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम सो दैट दे वुड बी इंस्पायर्ड टू वर्क फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सच प्रॉब्लम्स. बच्चों के अंदर एक ऐसी जिज्ञासा का उत्पन्न कर देना, क्यूरियोसिटी, कि भाई वो जानना चाहे एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स क्या है, और इंस्पायर करना उनको कि वो उसके जो वो प्रॉब्लम्स एनवायरमेंट में है उनके सॉल्यूशन को फाइंड करने में लग जाए, राइट? नेक्स्ट इज टू क्रिएट अप्रोप्रिएट सिचुएशन फॉर द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग फॉर एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट के लिए क्या क्या सही डिसीजंस इसको बचाने के लिए लिए जाने नहीं चाहिए, कितने नहीं, तो इसमें बच्चों का एक एक्टिव सक्रिय रोल रहे, राइट? नेक्स्ट इज टू डेवलप द कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग स्किल्स टू फुलफिल द रिक्वायर्ड एम्स टू रियलाइज एंड सॉल्व एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे, थ्रू जो भी पर्टिकुलर स्किल्स नीडेड है उनसे, और सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल, एजुकेशनल प्रोसेसेस के थ्रू उन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, बच्चे इतने काबिल बन जाए कि फिर उन इन सब के थ्रू उन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए. नेक्स्ट और लास्ट करेंगे, इसके बाद बाकी सब मैं आपको सिर्फ दिखाऊंगी, ठीक है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट यस, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने नेसेसरी हैं हम वो डिस्कस करेंगे. 10th इज टू एनलाइटन द प्रॉब्लम, सॉरी, पीपल ऑफ द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट. देखिए, लोगों को जागरूक करना, ठीक है, कि एनवायरनमेंट में क्या प्रॉब्लम्स
कमी आ रही है क्या नहीं, ठीक है। इसके लिए देखिए स्टूडेंट्स कैंपेन करते हैं, मार्च करते हैं, डिफरेंट चीज़ें, सेमिनार्स, वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज होती हैं, सर्टेन थिंग्स, इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, स्कूल लेते हैं, बच्चे खुद से लेते हैं, इको क्लब्स होते हैं, वो देखिए ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं स्कूल्स के अंदर, राइट। तो इको क्लब्स का एग्जाम्पल आप इसमें डाल सकते हो। सो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी पॉइंट्स यहाँ पे हैं, आप रीड कर लीजिए एक बार। एंड बाकी किसी सब्जेक्ट की क्लासेस या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कंप्लीट क्लासेस आपको चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड बेसिकली पेड क्लासेस के लिए, फुल कोर्स के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। होप टू सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून। थैंक यू, बाय।